हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर नरेश चावला जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर नरेश जी टीवी 100 पर। नरेश जी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी ठीक आ रही है आपकी आवाज। नरेश जी आखिर क्या बड़ी वजह हम मानी जाए कि मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है, कैसे रोकथाम लगाई जाए? देखिए जब से हमने लॉकडाउन देखा था, फिर अनलॉक 1, 2, 3, 4 देखे थे और नवंबर के आसपास या अक्टूबर के आसपास हमने कोरोना की पीक देखी थी, चाहे हमारे देश के इंजामात अच्छे थे, चाहे कोरोना अपने आप में हाइबरनेट कर रहा था कि थोड़ा सा शांत हो गया था, तो दिसंबर हमने बहुत अच्छा काटा है, जनवरी हमने 2021 बहुत अच्छा काटा है, लेकिन पिछले एक महीने से, हालांकि ये चीज हम पिछले विदेशों में होल ऑफ यूरोप अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में देख रहे थे कि कुछ नई स्ट्रेन्स झपट्टा मार रही थी, जो कि एक नई स्ट्रेन इंग्लैंड की है, एक नई स्ट्रेन या म्यूटेंट ब्राजील का था, एक नई स्ट्रेन या म्यूटेंट साउथ अफ्रीका का था। सबसे खतरा लगातार चल रहा था, लेकिन अब लगता है खतरा हमारे बहुत नजदीक आ गया है और ये सच है कि 1 मार्च को 11,000 केस थे और हम कल परसों तक ऑलमोस्ट 25,000 केस रिकॉर्ड कर रहे हैं। दिल्ली अलोन में हम आज से 2 महीने पहले हार्डली 100 से भी कम केस हो गए थे, तो अब हम कल 350-400 केस डेली रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत चिंता का विषय है। पूछा जाए यहां तक कि क्या वजह है, तो वजहें एक नहीं दो तीन चार हो सकती हैं। एक वजह क्योंकि प्रशासन ने ऑलमोस्ट सब चीजें खोल दी हैं, सारे स्कूल्स, जिम्स, सिनेमा थिएटर्स, इवन मैरिजेस, जिसमें थोड़ा टाइम पहले रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी, पहले 200 की थी, फिर 50 पे आ गए थे, अब मैं खुलेआम ऐसी शादियां देखता हूं जिसमें 200-300 लोग बिना किसी परवाह के, बिना किसी मास्क के चुपचाप घुल मिल रहे होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज की रैलीज ऑल ओवर इंडिया खुलेआम, कोई रोक टोक नहीं है, इवन साधारणतया इवन खुले प्लेसेस में, ऑफिस में, मॉल्स में, शॉप्स पे, हर जगह एक ऐसा बेपरवाही और लापरवाही का एटीट्यूड सा आ गया है। और दूसरी चीज मैंने नोट की है कि जब से 16 जनवरी से कोरोना की वैक्सीन आई थी, लोगों को एक खुश फहमी और एक गलत फहमी सी हो गई कि अब मैं तो कोरोना से बच गया हूं। पहली बात तो ये बताना स्पष्ट करूंगा आपके व्यूअर्स को कि कोरोना वैक्सीन लगने के 45 दिन बाद एक रीजनेबल इम्यूनिटी आती है, और दोनों टीकों को लगने के बाद, पहले टीके के बाद कुछ इम्यूनिटी शुरू हो जाती है, लेकिन उसको एक अच्छी इम्यूनिटी हम नहीं मानते। तो ये 4-5 फैक्टर्स हैं, एक कोरोना का स्मार्ट कोरोना होना जो कि बहुत जल्दी म्यूटेट कर जाता है, और जो बीमारी हम आज से 6 महीने पहले 8 महीने देख रहे थे, लगता है जो अब जो कोरोना के नए केस आ रहे हैं वो शायद नए वायरस या नए म्यूटेंट के केस हैं। दूसरा, नए स्ट्रेन डॉक्टर साहब लोगों को ज्यादा परेशान कर रहे हैं, बताया जा रहा है कि 70 गुना ज्यादा यह असर करता है। यस, ये इसको इसका स्प्रेड जरा इसका इन्फेक्टिव स्प्रेड थोड़ा ज्यादा है। अभी ये कहना तो मुश्किल होगा कि ये बहुत घातक या जानलेवा कितना है, क्योंकि तो इसके केस अभी काफी कम देखे गए हैं, लेकिन ये स्पष्ट देखा जा रहा है कि ये काफी गुना ज्यादा इन्फेक्टिव है, यानी कि एक से दूसरे में फैलने में बहुत ही कम टाइम लगाता है। तो दैट इज ऑल द मोर रीजन कि हमें अपने बचाव के सारे उपाय, जो कि बार बार मीडिया से भी कहे जाते हैं, प्रशासन से भी कहे जाते हैं, वो हम सब जानते भी हैं, हम सब जानते हैं कि हम सब कर चुके हैं, हमने वो दिन लॉकडाउन के दिन देखे हैं, लॉकडाउन के बाद दिन देखे हैं जब हम बहुत ही केयरफुल थे, लेकिन मैं देख रहा हूं लास्ट नवंबर के बाद लोगों ने एकदम ऐसा एटीट्यूड कर लिया है कि अब कोई जरूरत नहीं है, और जब से वैक्सीन आई है तब से तो और भी ज्यादा हो गया, अब बचाव ले तो लिया अब क्या होगा। तो ये एटीट्यूड थोड़ा गलत है, वो जो कोरोना का प्रोटोकॉल है, जो 4-5 सुझाव दस हजारों लाखों बार रिपीट किए जा चुके हैं, लेकिन फिर भूल जाते हैं, घर से निकलिए तो मास्क पहन के निकलिएगा, हमेशा अपने आप को हैंड सैनिटाइज या हैंड वॉश कीजिएगा, भीड़ भाड़ खुद पैदा भी ना कीजिएगा और भीड़ वाली जगह पे टोटली अवॉइड कीजिएगा। लेकिन डॉक्टर साहब ये बातें लंबे समय से कही जा रही हैं, लेकिन अब लोगों ने इसको एक तरीके से सुनकर अनसुना करने की आदत डाल ली है, बार बार ये अपील की जा रही है,
तमाम जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, डॉक्टर्स अपील कर रहे हैं, कितने ही डॉक्टर्स की जान चली गई इस महामारी के दौरान, पुलिसकर्मी लगातार अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, जिम्मेदारी से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की लापरवाही का खामियाजा सभी लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में उन लोगों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए ठोस, जिसकी वजह से दूसरे ऐसी गलती करने से पहले सोचे? देखिए, इतिहास गवाह है, जब 1910 में स्पेनिश फ्लू आया था तो 10 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी, और उसमें भी ऐसी वेव्स थी कि पहली वेव आई, लोगों ने चलो चुपचाप बर्दाश्त कर ली, लेकिन जब दूसरी वेव का टाइम आया तो उससे पहले लोग बहुत बेपरवाह और लापरवाह हो चुके थे, और जो थर्ड वेव आई वो तेज भी थी और उसमें लोगों की मौतें बहुत ज्यादा हुई थी। उस हिसाब से अभी तक हम कहेंगे इंडिया में भी और ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया के केसेस अभी भी 1,15,00,000 हैं, 135 करोड़ की आबादी के पीछे इसको काफी अच्छा कहा जाएगा कि हम इस बीमारी को सीमित कर पाए। और ऑल ओवर द वर्ल्ड भी केसेस 3 करोड़ हैं, जो कि 780 करोड़, जो कि पूरी दुनिया की आबादी है, इससे कम कहा जाएगा। मौतें भी पूरी दुनिया में सिर्फ 25-26 लाख, इंडिया में ऑलमोस्ट 1.55 लाख। उस हिसाब से हमने इसको हमने कंटेन तो कर लिया है, लेकिन हम अपने आप में विश्व वे नहीं कर सकते कि मिस्टर करुणा आप चले जाइए, आपने हमें बहुत दुख दे दिया। जितना करुणा स्मार्ट निकलेगा, म्यूटेट करेगा, फैलने की कोशिश करेगा, उतना ही लोगों को जागना पड़ेगा, उस सावधान लेनी पड़ेगी। जहां तक आपका कहना कि लोग बात तंग आ गए हैं, भैया पहले 3 महीने घर में बैठे रहे, धंधा पानी खत्म हो गया, अब बाहर निकल रहे हैं, उड़ाड़ रहे हैं, तो जी हम खाने ले दो, तो मेरा जो है कि ऐसा ही वर्ल्ड मे बी यह टू कम, अगर हमें की जाए कि जिससे हमें बाद में पछताना पड़े। ध्यान से देखिएगा तो यूरोप में अभी जो पे अभी लॉकडाउन चल रहे हैं, अमेरिका काफी कड़ी सावधानी रही है, तो मुझे नहीं समझ आता हमारे इंडिया देशवासी इस बात को समझने में समय क्यों लगा रहे हैं, इतनी बेवाही क्यों शो कर रहे हैं, उनको समझाना पड़ेगा। और शादी के कदम बाद जो उठाए, फाउंड लगाए, कोई फाइन पेनल्टीज लगाए, तो जीवन शैली बदलनी पड़ेगी, इसको एक वे ऑफ लाइफ बनाना पड़ेगा। मैंने कई देशों में इंक्लूडिंग जापान देखा है, वो लोग घर से बाहर निकलते हैं मास्क वैसे ही लगाते हैं। तो ये साथ कोरोना ने आके हमें एक सिखा दिया कि हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, इसको इस चीज में और इससे लेकिन डॉक्टर साहब ये लापरवाही जो लोग बरत रहे हैं, अब मामलों में भी देखिए दोगुने का इजाफा हो रहा है। अगर 1 मार्च की बात की जाए, क्योंकि महज 15 दिनों में इस तरीके से मामले का दोगुना होना, ये सवाल बार बार खड़े कर रहा है कि क्या कोरोना लौट आया है। फिर सवाल ये भी उठते हैं कि कोरोना हम लोग के बीच से गया ही नहीं था कहीं, वो वैक्सीन की आड़ में कहीं ना कहीं और जो जागरूकता चलाई जा रही थी उसकी आड़ में कमी जरूर देखी गई थी, लेकिन लोगों की लापरवाही ने इसे दोबारा उजागर कर दिया है, दोबारा ये दिखाई देने लगा है, और लक्षण जो नए नए स्ट्रेन सामने आ रहे हैं वो परेशान कर रहे हैं। देखिए, इसमें कोई सच नहीं है कि कोरोना अपनी पीक पे था लास्ट अक्टूबर और दिसंबर नवंबर में, और उसके बाद कोरोना का वायरस थोड़ा सा हाइबरनेट कर जाता है, थोड़ा सबड्यू हो जाता है। ये हम सब कोरोना के बारे में थोड़ा सा कम उजागर हैं, और उस तहत हमारी नॉलेज थोड़ी कम है, लेकिन हमें इतना जरूर मालूम है जितने भी ऐसे वायरसेस होते हैं इस सीरीज के, वो अपने आप को म्यूटेट करते रहते हैं, अपने आप को बदलते रहते हैं, ताकि वो मानव शरीर में कैसे प्रवेश कर पाए, तो उसके लिए अत्यंत जरूरी है। वो जैसे जैसे उसको हमारे हिंदुस्तान की जनता फॉर एग्जाम्पल खुलेआम घूम रही है, एक आइडियल एटमोसफेयर पेश कर रही है जिसमें कोरोना को फैलने का मौका मिलेगा, तो कोरोना और ज्यादा ग्रो करेगा। कोरोना को हराने का एक ही तरीका है कि हम अपने आप को सक्षम बनाएं, प्रिकॉशंस लें, वैक्सीन लें, तो हम खुला तो कोरोना
बुरी तरह ग्रो भी करता है हमारी मान भी लेता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब टीवी 100 से जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए।